फरीदाबाद भले ही औद्योगिक नगरी हो, लेकिन इस औद्योगिक नगरी में लोगों को बिजली संकट से जूझना पड़ रहा है। जहाँ चाहे उद्योगपति हो या आम नागरिक, कोई भी इस बिजली संकट से अछूते नहीं है। बार बार लग रहे इस बिजली कट के चलते भारी परेशानी सभी को उठानी पड़ रही है, जिसको लेकर आज NIT फरीदाबाद के सरूरपुर इलाके में बनी कॉलोनियों के लोगों ने बिजली दफ्तर का घेराव करते हुए रोड जाम करते हुए जमकर हंगामा किया। बहुत ज्यादा है, दो महीने से इतनी लाइट जा रही है, पूरे दिन गायब रहती है लाइट, पूरे दिन। कितने समय से लाइट नहीं आ रही है? दो महीने से, ढाई महीने से उठा है, और एक घंटे लंच में लाइट मिलती है। जब ये लोग काम कहीं से छोड़ के और लंच वंच करते हैं तो एक घंटे के लिए मिलते हैं पूरे दिन में। कभी टू फेस करके डाल देते हैं, कोई सिंगल फेस को काट देते हैं कभी। तो कितने लोग हैं जो दफ्तर में पहुंचे हैं प्रदर्शन कर रहे हैं? जो 400-500 आदमी है। अभी तो एसोसिएशन के बंदे भी आए हुए हैं, मतलब आने वाले हैं, मतलब उधर जो फैक्ट्रियां हैं उनसे, और हमारा तो ऑटो से काम भी चले गए बिल्कुल हाथ से। तो बिजली विभाग के कोई अधिकारी से किसी से बातचीत हो पाई आप? नहीं हो पाई, अधिकारी आए नहीं रहे, कल भी नहीं आए थे, आए नहीं रहे अधिकारी। कोई नहीं, कोई यहाँ का जो JEE है ना, वो फोन नहीं उठाता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। ठीक है, मैंने पूरे पावर कट से ना JEE को व्हाट्सएप कर रखे हैं, जितने दिन में लगते हैं। रेवाड़ी शहर के सबसे बड़े पार्क ऐतिहासिक रेजांगला शाहिद पार्क में अव्यवस्थाओं की भरमार है। रेजांगला पार्क विकास समिति की ओर से 40 समस्याओं का एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया, बावजूद इसके समस्या का समाधान नहीं करवाया जा रहा, जिससे समिति में प्रशासन के खिलाफ खासा रोष पनप रहा है। समिति ने कहा है कि प्रशासन को कई बार लिखित और मौखिक रूप से अवगत कराया जा चुका है। स्वयं जिला उपायुक्त और SDM समेत कई अधिकारी पार्क का दौरा भी कर चुके हैं, बावजूद इसके अभी तक समाधान नहीं किया गया। पार्क में बहुत समस्या है जी, एक तो पशु एक आके इनको पेड़ पौधों को खा जाते हैं। तो कितनी बार DC साहब से भी बता दिया, भाई दो बार आ लिए DC साहब, बाकी कोई समाधान नहीं हो रहा। पेड़ पौधे तोड़ लेते हैं और झुग्गी झोंपड़ी वाले ना, झुग्गी झोंपड़ी वाले आते हैं और सरिये बेंच के सर तोड़ के और सरिये निकाल के ले जाते हैं। पार्क के सारे पेड़ तोड़ दिए, पानी हर घर तिरंगा मुहिम के तहत बादली से शुरू हुई तिरंगा यात्रा झज्जर पहुंची। आज यहां तिरंगा यात्रा बहादुरगढ़ भी जाएगी और वहीं पर इस तिरंगा यात्रा का समापन होगा। बादली से शुरू हुई तिरंगा यात्रा को जिला उपायुक्त शक्ति सिंह ने अपने हाथों से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देखिए, बहुत अच्छी पहल है ये, और इस तरह से हम पूरे समाज को ये संदेश दे पाएंगे कि तिरंगा जो है हमारे देश की आन बान शान का प्रतीक है। तिरंगा प्रतीक है इस चीज़ का कि इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए हजारों लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, उस आज़ादी को बनाए रखने के लिए हजारों शहीद हुए हैं, चाहे वो सेना के थे, चाहे वो अर्धसैनिक बलों के थे, चाहे वो अन्य थे। लेकिन हम उस तिरंगे को पूरे मान और सम्मान के साथ फहराएं। 13 से 15 अगस्त तक हर घर की छत पर तिरंगा हो, जो इस बात का प्रतीक है कि हाँ, मैं इस आज़ाद देश का नागरिक हूँ। पलवल के लघु सचिवालय पर देश में बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और भाजपा सरकार द्वारा सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज पूरे देश में कमर तोड़ महंगाई है और पिछले 45 साल में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी हमारे देश के अंदर व्याप्त, साथ में जो आवश्यक वस्तुएं थी सब पे जो अवैध तरीके से GST लगाया गया है, इससे आम जनता का जीना दुश्वार हो गया है। और युवाओं को अग्नि में झोंकने वाली जो अग्निवीर योजना ये सरकार लेकर आई है, इसके खिलाफ पूरे देश की जनता में आज रोष व्याप्त है। इन सभी मुद्दों को लेकर आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। साथ में हमने पिछले कुछ समय से देखा है, जो भी हमारे संवैधानिक संस्थाएँ हैं, चाहे ED हो, CBI है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, यहाँ तक कि जो न्यायपालिका भी है, पूरे तरीके से इन सबका विपक्ष के खिलाफ जो दुरुपयोग करा जा रहा है, विपक्ष को टारगेट करा जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को उनके सम्मान को जो ठेस पहुंचाई जा रही है उसको प्रताड़ित करा जा रहा है। रतिया नगर पालिका उपप्रधान पद को लेकर होने वाला चुनाव स्थगित हो गया है। आपको बता दें कि शहर के 17 वार्डों के पार्षद व प्रधान ने आज उपप्रधान पद के लिए मतदान करना था। जानकारी के मुताबिक मतदान नगर पालिका मीटिंग हॉल में किसी भी पार्षद के न पहुंचने के कारण मतदान स्थगित किया गया।
आज रतिया नगर पालिका के उपप्रधान का चुनाव होना था, इसके लिए हमने 1 बजे मीटिंग रखी थी, जो कि एक विशेष सत्र था हमारा ये। इसमें कोई भी पार्षद या प्रेसिडेंट जो है हाजिर नहीं हुआ। फोरम इसका 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स एंड प्रेसिडेंट होता है, यानी 9 कैंडिडेट कम से कम आने चाहिए थे, लेकिन इस मीटिंग में एक भी कैंडिडेट उपस्थित नहीं हुआ। अतः ये कार्रवाई अब समाप्त की जाती है और उपप्रधान के चुनाव के लिए आगे की तारीख दे दी जाएगी। आज की कार्रवाई समाप्त हो जाती है बिना उपप्रधान के चुनाव। मीटिंग के अंदर पहुंचना होता है 1 बजे, और 1 बजे का, हाँ 1 बजे का टाइम था। अगर वो मीटिंग में पहुंचते, कोरम पूरा होता, तो फिर हम चुनाव की प्रक्रिया शुरू करते। 1/2 यानी 9 टोटल मेंबर हमारे पास पहुंचने चाहिए। कोई एक भी पर्सन सत्य सटीक बेबाक